हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपके इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो 2021-22 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसमें से 8-10 क्वेश्चन तो जरूर रिपीट ही होगा, तो एक बार पढ़ कर जरूर जाइएगा। और आज के डेट में यानी आपका 31-1-2023 को पेपर हुआ है एमए पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस वालों का, नाथ पंथ का, तो उसका भी आंसर की मैं अपलोड कर दूंगा, उसको भी देख करके जाइएगा, जिससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपका सब्जेक्ट कोड PHI 100 और पेपर आईडी आपका 463। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि जो मेरे को पेपर मिला था ना, बहुत धुंधला था, तो साफ नहीं दिख रहा था, तो मैंने उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और उसको टेक्स्ट करके, तो आपको साफ दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गोरखनाथ द्वारा रचित है? ए द रिलीजन ऑफ मैन, बी लाइफ डिवाइन, सी सिद्ध सिद्धांत पद्धति, डी गीता रहस्य। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी सिद्ध सिद्धांत पद्धति। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपका जो पेपर आएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। आज जो एमए का पेपर हुआ है उसमें केवल हिंदी में आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका दो है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? ए गोरखनाथ, बी योगिंद्र स्वात्माराम, सी मत्स्येंद्रनाथ, डी नौमीनाथ। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी योगिंद्र स्वात्माराम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, योग बीज के प्रणेता कौन है? ए गोरखनाथ, बी रामनाथ, सी जालंधरनाथ, डी आदिनाथ। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ए गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, गोरक्ष शतक किसने लिखा? ए नौमीनाथ, बी आदिनाथ, सी गोरक्षनाथ, डी चरपटीनाथ। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा सी गोरक्षनाथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका फाइव, गोरक्ष पद्धति संबंधित है? ए जैन योग से, सी बौद्ध परंपरा से, सी गोरक्षनाथ परंपरा से, डी वेदांत योग से। तो आपका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी गोरक्षनाथ परंपरा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स है, अमर स्क्यू संबंधित है? ए बौद्ध परंपरा से, बी जैन परंपरा से, सी सिद्ध परंपरा से, डी नाथ परंपरा से। तो आपका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी नाथ परंपरा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका सेवन, घेरंड संहिता के रचयिता हैं? ए गोरखनाथ, बी मत्स्येंद्रनाथ, सी महर्षि घेरंड, डी श्री अरविंद। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी महर्षि घेरंड। क्वेश्चन नंबर आपका एट है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? ए पतंजलि, बी शंकराचार्य, सी मत्स्येंद्रनाथ, डी जालंधरनाथ। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है सी मत्स्येंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, विवेक मार्तंड संबंधित है? ए जैन परंपरा से, बी सिद्ध परंपरा से, सी नाथ परंपरा से, डी बौद्ध परंपरा से। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है सी नाथ परंपरा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, द फिलासफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी परमानंद श्रीवास्तव, सी अक्षय कुमार बनर्जी, डी राधाकृष्णन। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है सी अक्षय कुमार बनर्जी। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है? ए वाराणसी में, बी मथुरा में, सी अयोध्या में, डी गोरखनाथ में, गोरखपुर में। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है डी गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया हैं? ए अवैधनाथ, बी दिग्विजयनाथ, सी योगी आदित्यनाथ, डी नरेंद्र मोदी। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है सी योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, हठ योग की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित है? ए जैन योग से, बी बौद्ध योग से, सी नाथ योग से, डी सिद्ध योग से। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है सी नाथ योग से। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, धर्म अपने सामान्यतम नैतिक अर्थ में व्यक्त करता है? ए वैदिक कर्मकांड, बी सदाचार, सी वर्ण आश्रम धर्म, डी दीवानी और आपराधिक नियम। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है बी सदाचार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, अहिंसा परमो धर्म यह कथन पाया जाता है? ए जैन धर्म ग्रंथों में, बी बौद्ध धर्म ग्रंथों में, सी महाभारत में, और डी वेदों में। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है सी महाभारत में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भगवत गीता मुख्यतः संबंधित है ए कर्म योग, बी ज्ञान योग, सी भक्ति योग, डी उपयुक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, वेद नैतिक सिद्धांत को पहचानने वाले ग्रंथ हैं जो उनकी ए देवी देवताओं की प्रार्थना में व्यक्त होता है, बी गृहस्थ के लिए धार्मिक कृत्य की व्यवस्था में व्यक्त है, सी यज्ञादि व्यवस्था में व्यक्त है, डी रीत की मान्यता में व्यक्त है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, यज्ञादि व्यवस्था में व्यक्त है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, विशेष धर्म का निर्धारण केवल वर्ण से होता है, बी केवल आश्रम से होता है, सी वर्ण आश्रम से होता है, डी धर्म से होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है ए केवल वर्ण से होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, साधारण धर्म है ए विशिष्ट जन के लिए है, बी सन्यासियों के लिए है, सी ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण वर्ग के लिए है, और डी है सभी के लिए है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, गोरखनाथ के अनुसार ए विश्व सत्य विश्व असत्य है, सी विश्व सत्य और मिथ्या दोनों हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है बी विश्व असत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, परम पुरुषार्थ है ए धर्म है, बी अर्थ है, सी काम है, डी मोक्ष है। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है डी मोक्ष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, नाथ योग में सांभवी एक ए आसन है, बी प्राणायाम है, सी मुद्रा है, डी बंध है। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है सी मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, योग का अर्थ होता है ए मिलन, बी जोड़, सी तप, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है मिलन, ए वाला ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, अष्टांग योग में असंहिता अहिंसा है, अष्टांग योग में अहिंसा है ए तप, बी नियम, सी यम, डी संतोष। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है सी यम। क्वेश्चन नंबर 25 है, पतंजलि योग में संतोष है ए नियम, बी यम, सी आसन, डी प्राणायाम। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है ए नियम। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, कपालभाति संबंधित है ए जैन योग से, बी बौद्ध योग से, सी नाथ योग से, डी ज्ञान योग से। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी नाथ योग से। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, समाधि संप्रज्ञात और होती है ए वैराग्य, बी हठ, सी असंप्रज्ञात, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी असंप्रज्ञात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, सत्कर्म संबंधित है ए बौद्ध योग से, बी जैन योग से, सी नाथ योग से, डी ध्यान योग से। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है सी नाथ योग से। थोड़ा सा इसमें डाउट है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, सत्व रज और तम के गुण हैं ए आत्मा, बी पुरुष, सी प्रकृति, डी ब्रह्मा। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ए आत्मा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, नाथ योग में षट चक्र है ए 2, बी 3, सी 8 और डी 6। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है डी 6। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है ए अविद्या, बी ज्ञान, सी तृष्णा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है सी तृष्णा यानी लोभ। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, गोरखनाथ के योग के कितने अंग हैं तो ए 4, बी 6, सी 8, डी 2। तो यहाँ पर जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है बी 6। 8 जो योग के अंग हैं उसमें से 2 को महत्वपूर्ण नहीं रखा गया, महत्वपूर्ण पार्ट में केवल 6 को ही रखा गया है, तो इसलिए 6 होगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं ए पतंजलि, बी गौतम बुद्ध, सी गौतम, डी निम्बार्क। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है बी गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 34 है, ईश्वर प्रणिधान है ए प्रत्याहार, बी नियम, सी प्राणायाम, डी आसन। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है बी नियम। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, अनाहत नाथ योग में एक ए मुद्रा है, बी आसन है, सी चक्र है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है सी चक्र है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका,
दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध को कहते हैं। ए आसन, बी प्राणायाम, सी समाधित और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ए आसन। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, परमहंस योगानंद का योग कहा जाता है। ए ज्ञान योग, बी क्रिया योग, सी समग्र योग, डी कर्म योग। तो आपका जो सही आंसर फ्रेंड्स वह है बी क्रिया योग। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, षोडश आधार संबंधित है। ए ज्ञान योग से, बी भक्ति योग से, सी नाथ योग से, डी ध्यान योग से। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है सी नाथ योग से। क्वेश्चन नंबर 39 है, योगी कथामृत आत्मकथा है। ए रामकृष्ण परमहंस की, बी परमहंस योगानंद की, सी श्री अरविंद की और डी स्वामी विवेकानंद की। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है बी परमहंस योगानंद। क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन, नाथ योग कहा जाता है। ए अष्टांग योग, बी षडंग योग और सी है भक्ति योग और डी है ज्ञान योग। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ए अष्टांग योग। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और शाम तक आपका जो आज पेपर हुआ है नाथ पंथ का उसका भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।